दोस्तों, भारतीय बैंक सिंगापुर के साथ भारत के व्यापार को एक नए आयाम पर ले जाने के लिए एक बहुत ही बड़ा कदम उठाने वाले हैं। दरअसल दोस्तों, भारत के 5 बैंक सिंगापुर के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि दोनों देशों के बीच में होने वाले पैसे की ट्रांजैक्शन को रियल टाइम में किया जा सके। रियल टाइम में पैसे की ट्रांजैक्शन से मतलब यह है कि जो पैसा भारत से सिंगापुर भेजा जाएगा वह तुरंत सिंगापुर पहुंच जाएगा और उसमें ज्यादा देरी नहीं की जाएगी। मौजूदा सिस्टम के हिसाब से अगर भारत के किसी व्यापारी को सिंगापुर के किसी व्यापारी को पेमेंट करनी है तो उसे सबसे पहले सिंगापुर के बैंक में पैसे ट्रांसफर करने पड़ेंगे, जिसमें सबसे पहले वे पैसे रुपए में ट्रांसफर होंगे, जिसके बाद उन्हें डॉलर में कन्वर्ट किया जाएगा और तब जाकर वे पैसे सिंगापुर के व्यापारी को मिलेंगे और वे इन पैसों का इस्तेमाल कर सकेगा। वहीं ऐसा करने में कम से कम 24 घंटे का समय लगता है और कभी कभी समय ज्यादा भी लग सकता है। कई बार ऐसे हालात भी देखे गए हैं जब लोगों के पैसे फंस जाते हैं और ये सब केवल इसलिए होता है क्योंकि करेंसी को हर बार कन्वर्ट करना पड़ता है और अगर ये पैसे रियल टाइम में ट्रांसफर किए जाएंगे तो ऐसी कोई भी परेशानी नहीं आएगी। वहीं पर अब भारत और सिंगापुर के बीच में व्यापार और पैसे का ट्रांजैक्शन बड़ी ही आसानी से रियल टाइम में किया जा सकेगा। तब केवल कुछ मिनटों या घंटों में पैसे का ट्रांसफर दोनों देशों के बीच में संभव हो पाएगा, जिससे भारत और सिंगापुर के बीच का व्यापार भी काफी तेजी से बढ़ेगा और भारत और सिंगापुर के बीच में आर्थिक रिश्ते पहले से काफी ज्यादा मजबूत होंगे। सिंगापुर के अंदर कई जगहों पर UPI का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे रियल टाइम में पेमेंट हो सकती है, लेकिन ये अभी भी काफी बड़े स्तर पर नहीं हो रहा और बड़े स्तर पर ले जाने के लिए दोनों देशों के बैंकों का एक दूसरे के साथ साझेदारी करना काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। वहीं अब ऐसा ही होने जा रहा है। भारत और सिंगापुर के बीच में साझेदारी का नेतृत्व करने के लिए भारत के कुछ बेहद ही बड़े बैंक जैसे कि SBI, ICICI और एक्सिस बैंक बहुत तेजी से काम कर रहे हैं। इतना ही नहीं बल्कि भारत और सिंगापुर सरकारी स्तर पर भी ऐसा करने के लिए पूरी तरीके से उत्सुक हैं। भारत और सिंगापुर एक दूसरे की रियल टाइम पेमेंट सिस्टम को लिंक करना चाहते हैं, जिसके लिए सिंगापुर की पे नाउ और भारत की UPI को एक दूसरे के साथ कनेक्ट किया जाने वाला है, जिसके लिए भी काम काफी तेजी से चल रहा है। दोस्तों, रियल टाइम पेमेंट सिस्टम एक बेहद जटिल सिस्टम है। मौजूदा समय में किसी दो देशों के बैंक और पेमेंट सिस्टम को लिंक करना कोई आसान काम नहीं है। इसे केवल कुछ दिनों में नहीं किया जा सकता, ऐसा करने के लिए कई महीनों या फिर सालों का समय लग सकता है। इसमें कई सारी फॉर्मेलिटी होती है और कई जगह पर टेक्निकल काम भी करना पड़ता है। साथ ही इस बात का भी ध्यान रखना होता है कि कहीं छोटी सी भी चूक ना हो, क्योंकि एक छोटी सी गलती भी भारी नुकसान कर सकती है। दुनिया भर की अर्थव्यवस्था में भारत का UPI अपने कदम तेजी से जमा रहा है। अब UPI केवल भारत में ही नहीं बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी काम कर रहा है। UPI मौजूदा समय में 10 से भी ज्यादा देशों ने एक्सेप्ट कर लिया है, जिसमें सिंगापुर, भूटान, मलेशिया, UAE, नेपाल और फ्रांस जैसे देश शामिल हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और रूस बहुत जल्द ही भारत के UPI को एक्सेप्ट कर सकते हैं, यानी कि अब UPI विश्व के 10 से भी ज्यादा देशों में एक्सेप्ट किया जाता है और ये भी अंतर्राष्ट्रीय हो चुका है। आने वाले समय में UPI की पकड़ अंतर्राष्ट्रीय बाजार में और ज्यादा मजबूत होने वाली है और बहुत जल्दी भारत का UPI दुनिया का सबसे बड़ा इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम बनकर सामने आ सकता है, जो कि काफी ज्यादा आसान, तेज और भरोसेमंद है। UPI बहुत ही विशाल हो चुका है। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यानी कि NCPI की रिपोर्ट के हिसाब से केवल अगस्त 2022 में ही UPI के जरिए 6.57 अरब ट्रांजैक्शन किए गए हैं, जिनमें लगभग 10,72,000 करोड़ रुपए का लेन देन किया गया है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है। वहीं अगस्त के पहले यानी कि जुलाई 2022 में UPI के जरिए 6.28 अरब ट्रांजैक्शन किए गए, जिनकी कीमत लगभग 10,62,000 करोड़ रुपए थी, जिससे ये बात साफ हो जाता है कि अगस्त 2022 में UPI के जरिए अभी तक सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन किए गए हैं। यानी कि साल 2016 में UPI के शुरुआत से लेकर 2022 तक अगस्त में सबसे ज्यादा ट्रांजैक्शन UPI के जरिए किए गए हैं, जो कि इस बात का प्रमाण है कि UPI हर दिन लगातार बढ़ा होता जा रहा है। UPI का विस्तार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर करने से भारत को केवल आर्थिक फायदा ही नहीं हो रहा, बल्कि भारत का प्रभाव भी विश्व के दूसरे देशों में ज्यादा पड़ेगा। हमने देखा है कि कैसे रूस यूक्रेन युद्ध के दौरान अमेरिका और पश्चिमी देशों ने एक तरफा फैसला लेकर रूस को स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म से बाहर कर दिया, जिसने रूस के अरबों डॉलर के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व मिनटों में बर्बाद हो गए। इसी वजह से दूसरे देश अब सतर्क हो गए हैं और वे इसका अल्टरनेटिव भी खोज रहे हैं। हालांकि UPI को हम स्विफ्ट पेमेंट मैकेनिज्म का सबसे अच्छा और उन्नत अल्टरनेटिव तो नहीं कह सकते, लेकिन जमीनी स्तर पर यह बाकी देशों के लोगों के लिए काफी मददगार साबित हो सकता है। इसीलिए भारत के द्वारा UPI का अंतर्राष्ट्रीयकरण करने से भारत अपना प्रभाव दूसरे देशों में काफी ज्यादा बढ़ा पाएगा, जो कि भारत के लिए काफी अच्छी बात है। बहरहाल दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो मेरी आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें, जिससे हमारी आने वाली ऐसी वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच सके। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।